नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हैं और ये ऐसे राज्य हैं जो राजनीतिक लिहाज से बहुत ही खास हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए और इन राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होती रहती है। खासकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ी है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में मामा यानी कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी टेंशन बढ़ी है, इसलिए वे राज्य में फिलहाल योजनाओं की सौगात लुटा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे एमपी के चुनावी रण के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वहां की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि साल 2018 की तरह ही इस बार भी एमपी में कांटे की टक्कर होने वाली है और इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की राजनीति हमेशा कांग्रेस बनाम बीजेपी की ही रही है और इस लड़ाई में कांग्रेस एक मामले में लगातार बीजेपी से आगे रही है। उसने हमेशा उस डिपार्टमेंट में देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ा है। वो फैक्टर है मध्य प्रदेश का मुस्लिम वोटर। एमपी में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ही कांग्रेस के लिए ऋण की हड्डी साबित हुई है, क्योंकि एमपी का मुस्लिम वोट कहीं भी भटकता नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट को अपनी ओर कर पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एमपी की धरती पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और इनकी एंट्री ने जमीन पर कई समीकरणों को ही बदलने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि एमपी में मुसलमान 7% के करीब हैं और 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। यहाँ भी 51 जिलों की 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, यानी कि उनका वोट जिस तरफ जाता है उस उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। वहीं अब तक ये तमाम वोट इकट्ठे ही कांग्रेस को जाती थी, लेकिन अब वहां के मुसलमानों के पास विकल्प के तौर पर ओवैसी आ गए हैं और एक तरह से वोटों का बंटवारा हो गया है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। आपको याद होगा कि पिछले साल हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 7 सीटें अपने नाम की थी। इसमें 3 सीटें खरगोन से निकाली गईं, 2 जबलपुर से और 1 खंडवा और बुरहानपुर से मिले। बड़ी बात यह भी रही कि बुरहानपुर मेयर सीट पर बीजेपी की जीत में एआईएमआईएम का बड़ा योगदान रहा। उस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से मात्र 542 वोटों से हार गई। उस सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार को 10,274 वोट मिले, यानी कि मुस्लिम वोटों में सीधी सेंधमारी की गई। कहने को वो एक निकाय चुनाव था लेकिन संदेश स्पष्ट मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी फैक्टर ने पूरी तरह अपना असर दिखाया और अब विधानसभा चुनाव होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव में ओवैसी किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और इसका फायदा किसको होने वाला है। वैसे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आपका गणित क्या कहता है, कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए।